देश भर में मनाए जा रहे विजिलेंस अवेयरनेस वीक के तहत वीरवार को एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग की तरफ से जागरूक कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर एंटी करप्शन ब्यूरो के डीएसपी मुश्ताक अहमद सहित एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा, डीडीसी सदस्य प्रोफेसर गारू राम भगत, म्युनिसिपल एमडी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी मुख्य रूप से सरपंचों सहित लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य रूप से जागरूक कैंप में उपस्थित रहे। इस मौके पर कैंप में सरपंचों सहित लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर विभागीय अधिकारियों द्वारा लोगों को बताया गया, अगर कोई भी अधिकारी या फिर जांच कर्मचारी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है तो उसकी शिकायत विजिलेंस विभाग को दे। इसके लिए हमें जरूरत नहीं है कोई कंप्लेंट आ रहा है। हाँ, ये सिर्फ जैसे विसल ब्लोअर एक्ट के तहत हम कहते हैं वो अभी प्रॉपरली लागू नहीं हुआ है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है अभी, लेकिन कंप्लेंट साइन हम करेंगे। लेकिन कोई अगर थी उसकी खुशहाली स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि करप्शन जैसे दाने को खत्म किया जाए। हम ये कह सकते हैं खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसको मिनिमम दिला सकते हैं ताकि लोगों को जो सही सिटीजन्स जो है सिटीजन्स के लिए है, ये सारा कुछ आप लोगों के लिए ना। इसी चीज के मद्देनजर जो भी प्रोग्राम आज किया जा रहा है वो यही है कि सबको अवेयर किया जाए और लोगों को भी बताया जाए कि करप्शन कितनी बुरी है। यही चीज बताने के लिए हम आप लोगों के पास आया है। उसको अपनी ग्रीवेंस को रखने का हक है। मैं कह रहा हूँ आप बिना किसी नाम के भी भेज दीजिए एप्लीकेशन, उसको भी एंटरटेन किया। खासतौर पर कुछ लोग अवेयर भी हैं, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ डेडिकेटेड ऑफिसर होते हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं, काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ब्लैकमेलिंग करते हैं, वो आपको कंप्लेंट डालते हैं। दैट टाइम आप क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करके क्या और उसका कैरी फाइल। सर ये बड़ा अच्छा, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं जो विजन सीखता है, लेकिन कोई ऐसा आदमी जो अपने बेस्ट इंटरेस्ट के लिए होगा तो वो उस प्रोविजन का गलत इस्तेमाल कर सकता है अपने फायदे के लिए। इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि जो डेविएट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए टेंडर प्रोसेस है, अब मान लो हमने कहा कि 5000 से ऊपर कोई भी प्रोक्योरमेंट होगी तो उसमें टेंडर जरूरी है। अब एक लाखों करोड़ों का टेंडर आ जाता है, उसमें एक ब्लू इंक्लूजन होता है पार्टी करने के लिए। जब आज जैसे ईएनआईडी है तो जब ये सारा कुछ आप अपलोड करते हो, टेंडर फ्लोटिंग होती है, टेंडर फ्लोटिंग होते हैं जब अपने कोटेशन भरते हैं, दो तरह की कोटेशन आते हैं पता सभी को, एक टेक्निकल होती है, एक हमारी फाइनेंशियल होती है। तो टेक्निकल में उसकी क्वालिफिकेशन पता लगती है कि क्या वो काबिल है कि नहीं है। उसमें हम जैसे बट मैं सीक्रेट चीजें होती हैं नहीं बताते, लेकिन मैं इतना कहने की कोशिश करूँगा कि जैसे मान लीजिए किसी एक बिल्डिंग का टेंडर निकला, उस बिल्डिंग के टेंडर के अंदर की एनुअल इनकम होनी जरूरी है, उसका जो भी असेट्स होना जरूरी है और उसने ऐसा कोई काम किया होना जरूरी है। अब कोई बंदा क्या करता है वहां पे, उसने उतना बड़ा काम नहीं किया है लेकिन छोटे छोटे वैसे टेंडर लेके अपनी इनकम तो पूरी कर दी, अपनी एनुअल इनकम तो पूरी कर बता दी, लेकिन टर्नओवर तो बता दिया, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो तीन छोटे छोटे टेंडर लिए थे, बड़ा टेंडर नहीं था। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।